नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनीश सहगल। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा के दुर्गा मंदिर के पास, जहां पे इंद्रप्रस्थ क्षेत्रीय महासभा के द्वारा यहां पे होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पे लोग उल्लास में इकट्ठे हुए हैं, और आप ये फूलों का भंडार जो देख रहे हैं, इन फूलों से ही इनका स्वागत किया जा रहा है और फूल बरसा कर यहाँ पे इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के द्वारा होली मनाई जा रही है। दुर्गा मंदिर प्रोग्राम हो रहा है, होली मिलन का देश की खूबसूरती है। नफीस कुरैशी और हमारे सब मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं। ये मिल्लत का एक पैगाम है, होली दिलों के मिलने की जगह है, मोहब्बत का पैगाम रहती है। और इस होली के लिए हम सब लोग आए, होली मुबारक देने के लिए आए हुए, हमारे मित्रगण लोगों ने बुलाया है। हाफिज समी साहब इसमें मौजूद हैं, मास्टर सत्तार साहब मौजूद हैं, शरीफ अख्तर साहब मौजूद हैं, शाहिद कुरैशी, अजीम मलिक, नफीस कुरैशी, हम सब मौजूद हैं। और ये खुशी का मौका है, और इसी तरीके हमारे भारत की खूबसूरती होली मुबारक हो। हिंदू मुसलमान भाई भाई, और होली ऐसा त्यौहार है जहाँ पे हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर मनाते हैं, एक साथ पूरा भाईचारे का प्रतीक है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो पूर्वज हैं, हमने पढ़ा है, हमारे बीच में होली मिलन एक ऐसा त्यौहार है जिसमें एक मोहब्बत जागती है, भाईचारा जागता है। हमारे भारतवासी हैं, हम सब भारत में रहते हुए होली मिलकर मनाना चाहिए। क्षत्रिय समाज ने हम लोगों को बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को मैसेज दिया है, देश में जो अफवाहें चल रही है उसको हम लोग ये खूबसूरती दिखाएंगे। देश का, हमारा हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हम लोग सारे त्यौहार मिलजुल के मनाएं, ये पैगाम यहाँ से दिया गया है, बहुत बेहतर है। क्षेत्रीय महासभा के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ये आयोजन चल रहा है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। और हम यही दुआ करते हैं अल्लाह से कि आगे हमेशा इसी तरह से प्यार मोहब्बत इखलास बना रहे। इंद्रप्रस्थ क्षेत्रीय महासभा पिछले 15 वर्षों से इसी प्रकार होली मिलन समारोह का आयोजन करती है। आज हम सभी लोग पुरानी बुराइयों को भुलाकर एक नए साल में प्रवेश करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि हम एक नवीन जीवन, और आज ये बहुत ही हर्षोल्लास का समय होता है जब हम होली मिलन समारोह मनाते हैं। आज सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी जाति धर्म के लोग एक रंग में रंगते हैं, और बड़ी उत्साह से हम लोग होली मिलन समारोह का आयोजन करते हैं। हर वर्ष इसी प्रकार हम सब भाई जितने भी हैं, हमारे साथ इमरान सैफी जी हैं, नफीस कुरैशी जी हैं, सभी धर्म के हमारे साथ सुसोदिया जी हैं, सभी लोग हम मिलजुल कर होली का ये त्यौहार मनाते हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह से होली मिलन समारोह सोसाइटी बहुत वर्षों से करती आ रही है, उनके लिए क्या कहें? भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले क्षत्रिय महासभा के सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, और हमारे बड़े भाई अनिल चौहान जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने इस प्रोग्राम में, होली मिलन समारोह प्रोग्राम में, हम सब लोगों को एक इज्जत दी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और गुजारिश करता हूं कि हमारे देश के अंदर जो एक भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये नारा हमारा हमेशा बुलंद रखें, और हम सब मिलकर इस नारे को बुलंद रखें। के माध्यम से एक बार फिर से होली की मिलन, होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो होली मिलन है वो हमारे में वायरस घुल मिल जाएगा, पर हम पर बेअसर रहता है। हम इतने शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्ति जो मातृशक्ति बैठी है, हम हर आपदा से लड़ने की क्षमता रखते हैं, और होली मिलन हमारा परस्पर ये सिखाता है कि हम मिलजुल के रहेंगे तो हमें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। होली, अब तक जो होली सो होली, अब भैया उसको वहीं छोड़कर स्वार्थ की भाषा में आ जाइए। मेरा नाम रामप्रकाश भारद्वाज है, मैं भाजपा से मैं बिलोंग करता हूं, और मेरा इस क्षेत्रवासियों को संदेश है कि अब तक जो होली सो होली, आगे उस बात को आधी खत्म कर दें, प्यार प्रीत और सौहार्द के लिए आगे बढ़े। थैंक यू आप सबका, मीडिया वालों को जय हिंद, जय भारत।